आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं कंपोजिट प्लेन फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम कंपोजिट प्लेन फिगर या कंपोजिट प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एल सेक्शन कंपोजिट प्लेन एरिया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें। प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सेस ऑफ अ एल सेक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमारे पास एक एल सेक्शन कंपोजिट एरिया है जिसके डायमेंशंस हमें इस तरीके से दिया हुआ है। बेस का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है और इसका वेट 2 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस कंपोजिट एल सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये एक एल सेक्शन है तो इसका सेंट्रोइड और सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए हमने बेस एक्सिस एक्स और वाई कंसिडर किया हुआ है जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, इसके बाद हम इसको एरिया में ब्रेक कर देंगे। तो दो रेक्टेंगल एरिया में हम ब्रेक कर सकते हैं, एक ओ ए बी सी ये एरिया वन है और एक रेक्टेंगल सी डी ई ए ये एरिया टू है। दोनों ही रेक्टेंगल है और दोनों रेक्टेंगल को ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ओ ए बी सी के लिए बी वन और एच वन की वैल्यू 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, वैसे ही सी डी ई एफ के लिए बी टू 1.5 सेंटीमीटर और एच टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से एक टेबल आप फॉर्म कर लेंगे। एरिया वन और एरिया टू है जिसका एरिया ए वन और ए टू हमें पता है। ए वन का वैल्यू 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और एरिया टू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जो एरिया हमारे पास है उसका खुद का सेंट्रोइड हम देखेंगे। तो देखिए एरिया टू का सेंट्रोइड एक्स वन और वाई वन, इसका सेंट्रोइड हमें पता है b बाई टू और h बाई टू पे होगा। तो ये सेंट्रोइड c1 का डिस्टेंस x और y एक्सिस से कितना होगा, तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस x1 है और x1 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा जो b1 बाई टू के बराबर होगा और y1 x1 एक्सिस के डिस्टेंस x एक्सिस से y1 है तो ये y1 की वैल्यू एरिया 1 के लिए एच वन बाई टू के बराबर होगा जो कि 1 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से एरिया टू का सेंट्रोइड भी हमें पता है बी बाई टू और एच बाई टू पे होता है। तो यहाँ से हमने एक्स टू और वाई टू एक्सिस ड्रॉ किया है तो ये सेंट्रोइड सी टू मिला। तो सी टू का लोकेशन एक्स और वाई एक्सिस से कहाँ पे होगा, तो वाई एक्स एक्सिस से ये वाई टू डिस्टेंस पे है तो वाई टू टू प्लस एच टू बाई टू के बराबर होगा जो कि 6 सेंटीमीटर मिलेगा और वाई टू या सेंट्रोइडल सी टू का पोजीशन y एक्सिस से x2 डिस्टेंस पे है और x2 हमें मिल जाएगा b2 बाई 2 के बराबर जो कि 0.75 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरीके से हम x1 x2 y1 y2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि इंडिविजुअल एरिया का सेंट्रोइड पॉइंट का लोकेशन है x और y एक्सिस से। तो ये हमने सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए ये सारा चीज़ किया हुआ है। ठीक है, अब सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये पूरा वैल्यू हमारे पास है ए वन ए टू है एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, हम मोमेंट एरिया मेथड का यूज़ करेंगे तो एक्स सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अपन ए वन प्लस ए टू। इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू पुटअप करेंगे एक्स वन एक्स टू ए वन ए टू का और हमें एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा 2.61 सेंटीमीटर। इसी तरीके से वाई सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू अपन ए वन प्लस ए टू इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वाई सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्स सी और वाई सी क्या है, ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैल्यू है। देखिए एक्स सी वाई एक्सिस से एक्स सी डिस्टेंस पे वाई वाई डैश एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे तो ये 2.61 सेंटीमीटर लेके हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से एक्स सी डिस्टेंस पे सॉरी वाई सी डिस्टेंस पे हम एक्स डैश एक्सिस ड्रॉ करेंगे और ये वाई सी की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर है। तो एक्स डैश और वाई डैश ये जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है ये सेंट्रोइडल एक्सिस है और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंट्रोइड पॉइंट होगा सी।
क्लियर है। तो ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स सी और वाई सी, और दोनों से हमने इस पॉइंट से जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है एक्स डैश और वाई डैश, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो सेंट्रोइडल एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स डैश वाई डैश आया है, इसी के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में इस एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो पूरे कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जितने एरिया में हमने ब्रेक किया है A1 A2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पूरे एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो ये आई एक्स क्या है, पूरे एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में, जो कि आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू के बराबर होगा। आई एक्स वन एरिया वन ओ ए बी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में, और आई एक्स टू एरिया सी डी ई एफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो आई एक्स वन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए एरिया वन या एरिया ओ ए बी सी का सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वन हमें पता है, जो कि बेस से वाई वन डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये एक्स वन और एक्स डैश एक्सिस दोनों से क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और एक्स वन एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस रेक्टेंगल का, ठीक है, और हमें एक्स डैश के अबाउट में इसे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, जो कि आई एक्स वन है। तो आई एक्स वन फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे, आई एक्स वन बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए वन होगा। आई एक्स वन बार एक्स वन एक्सिस के अबाउट में रेक्टेंगल वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि बी एच क्यूब अपन 12 के बराबर होगा, और डी वाई दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, जो वाई सी माइनस वाई वन के बराबर होगा। देखिए दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वाई सी माइनस वाई वन होगा, और ए वन क्या है, एरिया है रेक्टेंगल ओ ए बी सी का या रेक्टेंगल वन का। तो आई एक्स वन क्या हो जाएगा, देखिए आई एक्स वन बार का वैल्यू बी वन एच वन क्यूब अपॉन 12 होगा, सेल्फ सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल वन का, डी वाई डिस्टेंस है जो कि वाई सी माइनस वाई वन के बराबर होगा, और एरिया ए वन बी वन इंटू एच वन, ये सभी वैल्यू हमें पता है। हम पुट अप करेंगे बी वन एट इंटू टू का क्यूब अपॉन 12 प्लस 3.14, वाई सी का वैल्यू है माइनस वन, वाई वन का वैल्यू है का स्क्वायर, और एरिया बी वन इंटू एच वन ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई एक्स वन का वैल्यू हमें मिल जाएगा 78.61 सेंटीमीटर टू द पावर 4। याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है मीटर का घात 4 या mm का घात 4 या सेंटीमीटर का घात 4, जो भी लेंथ की लंबाई है उसका पावर 4 करोगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो मिलेगा। तो इस तरीके से आई एक्स वन जो कि एरिया ओ ए बी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में, ये हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आई एक्स टू जो कि एरिया टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए एरिया सी डी ई एफ एरिया टू है, तो इसका सेल्फ सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स टू हमें पता है, जो कि बेस से y2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये x2 एक्सिस x डैश के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में हम पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे, क्योंकि x2 के रेस्पेक्ट में एरिया 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता है, a2 एरिया CDEF भी हमें पता है। तो आई एक्स टू क्या हो जाएगा, देखिए आई एक्स टू बार जिसका वैल्यू बी टू एच टू क्यूब अपॉन 12 है ये, प्लस डी वाई दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वाई टू माइनस वाई सी के बराबर होगा का स्क्वायर, और एरिया वी टू इंटू एच एच टू, सभी वैल्यू हमें पता है। हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो आई एक्स टू का वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगा 162.16 सेंटीमीटर टू द पावर 4। क्लियर है, ये आई एक्स टू है रेक्टेंगल सी डी ई एफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो ये दोनों ही रेक्टेंगल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया एक्स डैश एक्सिस के अबाउट में। तो पूरे कंपोजिट एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या होगा, मिलेगा आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो पूरे
एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स डैश के अबाउट में हमें मिलेगा 240.77 सेंटीमीटर टू द पावर 4। क्लियर है, ये आंसर है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट में एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से हम वाई डैश एक्सिस के अबाउट में पूरे प्लेन एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, और ये क्या होगा, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई वन प्लस आई वाई टू। एंड आई वाई वन एरिया वन ओ ए बी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई डैश एक्सिस के अबाउट में, और आई वाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सी डी ई एफ एरिया का वाई डैश एक्सिस के अबाउट में। आई वाई वन फाइंड आउट करने के लिए हम मोमेंट ऑफ सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, और आई वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा आई वाई वन बार प्लस डी एक्स स्क्वायर ए वन। देखिए एरिया वन का वाई वन एक्सिस हमें पता है जो कि लेफ्ट से एक्स वन डिस्टेंस पे है, ठीक है। वाई डैश और वाई वन एक्सिस पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। आई वाई वन बार हमें पता है एच वन बी वन क्यू अपन 12 के बराबर होगा, प्लस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस एक्स वन माइनस एक्स सी के बराबर होगा, और एरिया बी वन एच वन होगा। हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे और आई वाई वन का वैल्यू हमें मिल जाएगा 116.25 सेंटीमीटर टू द पावर 4, तो 116.25 सेंटीमीटर का घात 4 हमें मिलेगा आई वाई वन की वैल्यू। इसी तरीके से हम आई वाई टू की वैल्यू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। आई वाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी ई एफ का वाई डैश एक्सिस के अबाउट में, खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस वाई टू के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो एच बी क्यूब अपॉन 12 के बराबर होता है, ठीक है। और दोनों पैरेलल है वाई डैश और वाई टू, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी एक्स है, और इस सी डी ई एफ एरिया का जो एरिया है वो ए टू है। सभी वैल्यू हमें पता है, तो आई वाई टू इज इक्वल टू एच टू बी टू क्यूब अपॉन 12 होगा, प्लस एक्स सी माइनस एक्स टू, ये डी एक्स का वैल्यू होगा, और बी टू एच टू ये एरिया होगा। हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो आई वाई टू का वैल्यू हमें मिल जाएगा 43.77 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो इस तरीके से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके आई वाई वन और आई वाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। फाइनली पूरे एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई डैश एक्सिस के अबाउट में हमें मिलेगा 43.77 प्लस 116.25 इज इक्वल टू 160.02 सेंटीमीटर टू द पावर 4, मतलब 160.02 सेंटीमीटर का घात 4। ये हमें मिलेगा सेंट्रोइडल वाई एक्सिस के अबाउट में एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट प्लेन एरिया का। ये तो हमने एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया है, तो ये प्रोसीजर आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कैसे हम कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें। इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी तरीके के कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर में ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।